आम आदमी पार्टी के लखनऊ कैंट क्षेत्र के प्रत्याशी अजय कुमार ने कैंट क्षेत्र में रोड शो किया, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से वो भी शामिल हुए। इस दौरान अजय कुमार ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत हासिल करने जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो लखनऊ में चौथे चरण में चुनाव होगा। इस समय हमारे साथ इंजीनियर अजय कुमार जी हैं, जो कि कैंट क्षेत्र से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के। आइए इनसे बात करते हैं। इंजीनियर अजय कुमार जी, आप लखनऊ में कैंट क्षेत्र के प्रत्याशी, हॉट सीट भी मानी जा रही है और आपकी मेहनत भी दिखाई दे रही है, काफ़ी जनता आपके साथ है, पहले चीज तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले ये हॉट सीट मानी जा रही है, इसको तो मैं ठंडा कर दूंगा क्योंकि जीत के आ रहे हैं। और बाकी आप भीड़ देख रहे हैं, जन समर्थन देख रहे हैं, सब हमारे साथ हैं और हम लोग पब्लिक के बीच में रहे हैं। 1.5-2 साल से मैं पब्लिक के साथ रहा हूँ। कोरोना में जब कोई नहीं दिखाई देता था तब मैंने काम किया है और लगातार काम कर रहा हूँ, क्योंकि जनता के बीच अब काम करना है तो ज़िंदगी भर करना है। हम लोग मशरूम की तरह नहीं है कि मौसम में निकलेंगे, हम फौजी हैं, जहाँ रहते हैं हमेशा रहते हैं। ओपिनियन पोल जो दिखाए जा रहे हैं उसमें पंजाब में आपकी सरकार बनती नज़र आ रही है, काफ़ी सबसे ज़्यादा सीटें उसकी है, उसको देख के कितना उल्लास है आपके उत्तर प्रदेश में? देखिए, दिल्ली में 3 बार के हमारी सरकार रही, पंजाब में बना रहे हैं, गोवा में भी हम आ रहे हैं और अगर हंग असेंबली आई, हम 403 सीट पे लड़ रहे हैं, हो सकता है कि यूपी में भी हमारी भूमिका सरकार बनाने में और हमारे टर्म्स कंडीशन पे यूपी में भी सरकार बनेगी। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की तो ब्रजेश पाठक जी खड़े हैं, जो कि यहाँ पहले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे, क्या प्रभाव दिख रहा है? देखिए, हम तो देखते नहीं उनका क्या प्रभाव है, मैं तो अपना प्रभाव देख रहा हूँ जो कि बहुत व्यापक है और मेरा प्रभाव है। मैं दूसरी पार्टी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ क्योंकि हमें काम करना है, अपने हिसाब से करना है, दूसरी पार्टियों के हिसाब से नहीं करना। आम आदमी पार्टी और खुद आप टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा प्रयोग कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा मिला? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, मैं इंजीनियर हूँ, अगर मैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। और जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, हम लोगों ने पूरी तरीके से सोशल मीडिया, मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोग को साथ लेके चलते हैं क्योंकि ये चौथा स्तंभ है। जबकि आप देखेंगे सत्ता में बैठे लोग चौथे स्तंभ को अवॉइड करते हैं, कुछ को अपने साथ लेते हैं, बाकी को अवॉइड करते हैं, लेकिन हम फौजी हैं, चौथे स्तंभ के हम जानते हैं कि उनकी क्या अहमियत है। हम चौथे स्तंभ को साथ लेके चल रहे हैं, सोशल मीडिया को साथ लेके चल रहे हैं और उसका हमें फायदा भी मिल रहा है। 2 चरण के चुनाव हो गए हैं, तीसरा चरण 20 तारीख को है, आपका चुनाव 23 तारीख को है। जो चुनाव हो चुके हैं 2 चरण के, उसमें क्या स्थिति रही आम आदमी पार्टी? देखिए, अब तो वो बैलेट बॉक्स के अंदर बंद हो चुका है, वो 10 तारीख को ही पता चलेगा, मार्च को, उस पर मैं कोई कयास नहीं लगाऊंगा। 10 तारीख को मैंने आपको बताया कि 10 तारीख को आप देखेंगे, हो सकता है कि हम सरकार में आए। ये थे इंजीनियर अजय कुमार जी, इन्होंने बताया कि इस समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता इनके साथ है। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं संजय जायसवाल, जनतन टीवी लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।